गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 440, 40i, 40 प्रो के अंदर स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं विद इंटरनल साउंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है स्क्रीनशॉट क्लिक करने का। वॉल्यूम डाउन और होम मेन्यू बटन को यूज़ करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। ये है फर्स्ट मेथड जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। सेकेंड मेथड है दोस्तों जो कि उससे थोड़ा ईजी है। आपको स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब जो थर्ड मेथड है मोस्ट यूजफुल दोस्तों यही है। आपको थ्री फिंगर से मैं सेटिंग में आता हूं ताकि आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट के बारे में भी पता चल सके। सेटिंग में करना, मैं अनकंफर्टेबल खड़ा हूं। थ्री फिंगर से स्वीप डाउन करना है, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आपके पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन शो है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल अप करते रहें। अब आपका जो स्क्रीनशॉट है वो लॉन्ग स्क्रीनशॉट होगा। आपको मल्टीपल स्क्रीनशॉट नहीं लेने पड़ेंगे, तीन तीन चार चार, तो आप एक ही स्क्रीनशॉट में इसको कर सकते हैं। सिंपली इससे फाइल के ऑप्शन में अगर मैं क्लिक करूंगा तो सेव हो जाएगा। बट मैं आपको मजीद इसके बारे में कस्टमाइज करने का इसको मैं आपको बताता हूँ। आप इसको इसका जो एरिया है इसको क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ड्रा करना है, लाइन ड्रा करनी कर सकते हैं, एरो ड्रा करना है वो भी कर सकते हैं, इसके बाद कुछ अंडरलाइन करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ ब्लर करना है, शो करना, अरेंज करना है वो आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट आप लिखते हैं, शेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और आपके पास मैसेज बॉक्स बने बनाए आ जाते हैं। तो आप इन सभी को जस्ट एक फीचर स्क्रीनशॉट के अंदर यूज़ करते हैं। फाइल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, आपको जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो गया है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में डिटेल से आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। पहले इसके जो फीचर है इनके बारे में आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिकॉर्ड डिवाइस साउंड। आपका स्मार्टफोन अगर इसको ऑन करते हैं साउंड होगा वो इंटरनल से रिकॉर्ड कर लेगा। ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है जो गेमिंग करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग गेम आपका जो साउंड है वो इंटरनल से रिकॉर्ड होगा। मीन्स के गन्स है, रनिंग है, शूटिंग का जो साउंड है वो इंटरनल से रिकॉर्ड हो गया। आपको माइक वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नॉइस तो दूर की बात आएगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन है रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड। इसको ऑन करते हैं तो आपको माइक लगाकर रिकॉर्डिंग करना होगी वॉइस की। नीचे है इमेज क्वालिटी, आप 1080, 720 या 480 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। आपको मैं रिकमेंड करूँगा 1080 या 720 पर ही रखिए। इसके बाद है शो टैप्स। इसको ऑन करते हैं तो ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने कहाँ कहाँ पर टैप किया है, टच किया है, वो अनदर पर्सन या फिर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आपको शो होगा कहाँ कहाँ पर शो आपने टच किया है। तो मीन्स कि उसका जो मकसद है कि शो हो कहाँ कहाँ पर आपने टैप किया, टच किया है। नीचे है डू नॉट डिस्टर्ब, तो इसको ऑन करते हैं, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास नहीं आएगा। अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर टैप किया है तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। टाइमर आ चुका है, आपके पास रेड बटन है, प्ले और पॉज का बटन भी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा प्ले होगी प्ले कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर टाइप करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव होगी। लेकिन मैं एक बार आपको और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले शो टच, ये हमारे पास शो टच है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ और इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे पास चल रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।